क्या आपको पता है कि हम में से कई लोग स्मार्टफोन भी हैं? आखिर वो कौन लोग हैं एक जानवर जो इंसान की तरह डांस कर सकता है ऐसे ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स को जानते हैं इस फैक्ट नंबर वन लोग तो कार की सवारी करते हैं लेकिन ये कौन सी कार है जो नवाबी स्टाइल में लोगों की सवारी कर रही है दरअसल नेपाल के राजा त्रिभुवन को एडोल्फ हिटनर ने 1940 में एक मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट में दिया था जिसे नेपाल के लोग अपने सर पे बड़ी ही शान से उठाकर नेपाल की राजधानी को ले जा रहे हैं आखिर इस कार को अपने सर पर उठा कर ले जाने की क्या जरूरत पड़ी राजा के गिफ्ट को लोग शाही अंदाज में अपने सिर पे उठाकर राजधानी की तरफ ले जा रहे हैं असल इसकी वजह ये थी कि 1940 तक नेपाल में कोई सड़क ही नहीं थी जिससे कि इस मर्सडीज कार को ले जाया जा सके ये पहली कार थी जिसको लोगों ने वहां की जनता ने देखा था भाई बात चाहे जो भी हो लेकिन ये कार बहुत ही नसीब वाली कार है अब कारों की किस्मत ऐसी कहाँ रही फैक्ट नंबर टू ब्लू वेल पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़ा है आखिर कितना बड़ा है बस आप यूं समझ लीजिए कि उसके टंग का वज़न एक हाथी के वज़न के बराबर होता है और उसका दिल लगभग एक टन का होता है जो हर दस सेकेंड में एक बार सांस लेता है तो मेरे ख़्याल से ब्लू वेल को खाने वाली प्रजाति जब ब्लू वेल को पकड़ लेते होंगे और जब उनका बंटवारा होता होगा तो उनमें से कोई कहता होगा कि प्रधान जी मुझे तो बस इसका दिल दे दीजिए और मेरे पूरे गांव के खाने के लिए काफ़ी है नंबर इंसान किसी म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं नाच सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान के अलावा और वो कौन से ममल्स हैं जो किसी म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं एक्चुअली 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज ने ये पता किया कि इंसान के अलावा सी लाइन एक ऐसा जीव है जो किसी म्यूजिक पे डांस कर सकता है डांस की एबिलिटी उसमें मौजूद होती है सी लाइन के अलावा और कोई डांस नहीं कर सकता इसका मतलब है कि किसी खुशी के मौके पे सी लाइन तो यही कहते होंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है no. दुनिया में एक से एक डिजाइन की इमारतें पाई जाती है इस पिक्चर में भी आप एक इमारत देख रहे हैं ये है अजहरबाइजान का नेशनल कारपेट म्यूजियम कारपेट की शक्ल में बना हुआ आर्किटेक्ट का ये एक शानदार नमूना है अजरबैजान नेशनल कारपेट म्यूजियम वहाँ के एक शहर बाकू में बना हुआ है जहाँ आप अजरबैजान में बनाई गई तरह तरह की कारपेट और रक्स देख सकते हैं यानी अगर आपका उस म्यूजियम में जाना हो तो आप वहाँ पाई जाने वाली तरह तरह की जो कारपेट्स हैं वो इस म्यूजियम में देख सकते हैं नंबर फाइव कहीं आप स्मार्टफोन जोम्बी तो नहीं है सरा चेक करने क्योंकि कुछ लोग सड़क के किनारे फोन को चलाते हुए चलते रहते हैं यानी उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है और अपने आसपास का बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए वो चलते रहते हैं ऐसे ही लोगों को स्मार्टफोन जोम्बी कहा जाता है फिर तो लगता है कि हम सभी स्मार्टफोन जोम्बी हो चुके हैं आपको अगर इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो बराबर मिलती रहे